Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hope so you all are well. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोहर मॉडल के बारे में कि हमारे पास बोहर मॉडल क्या है. सो बोहर मॉडल नील हेनरिक डेविड बोहर हमारे पास थे, एक डैनिश फिजिक्स थे जिन्होंने एटम की स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस की. क्योंकि हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वर्किंग के वो किस तरह से काम करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास एटम की स्ट्रक्चर कैसी है और उसके अलावा एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं. तो ये दो कंडीशंस थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वर्किंग को समझने के लिए. सो नील बोहर ने इसी में कंट्रीब्यूट किया. इन्होंने जो मॉडल बनाया वो हमें एटम की स्ट्रक्चर समझने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा था. इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स पोस्टुलेट की, किस तरह से अपने प्लैनेटरी मॉडल जो एटम का था उसके थ्रू इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट भी दिया. और क्वांटम मैकेनिक्स और ये दो कॉन्ट्रीब्यूशन जो इन्होंने की, इसकी वजह से 1922 में इन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स रिसीव हुआ. और इस टाइम पे 20th सेंचुरी के जो टॉप लेवल के इन्फ्लुएंशियल फिजिक्स थे इन्होंने उनके साथ काम किया. उनमें हमारे पास शामिल थे थॉमसन, डाल्टन सर एंड रदरफोर्ड और बहुत सारे और जिनके साथ इन्होंने काम किया. सो ये था हमारा बेसिक हिस्ट्री. अब हम लोग बोहर मॉडल को स्टडी करते हैं कि हमारे पास बोहर मॉडल है क्या. सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि स्टार्टिंग में ये सोचा जाता था कि एटम जो है वो अनडिविजिबल है, कि एटम नेक्स्ट डिवाइड नहीं होता. लेकिन बाद में पता चला कि एटम के अंदर एक स्फेरिकल डेंस न्यूक्लियस है और उसके अलावा उसके अराउंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जिसमें एलिमेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी एलिमेंट्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी की सारी होती हैं. इसको हम सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वुड है. वुड को हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है. तो वुड के जितने भी एटम होंगे उन सब की करेक्टरिस्टिक्स भी होल वुड की तरह की होगी. मतलब कि एक एटम में जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो ओवरऑल लकड़ी की करेक्टरिस्टिक्स जो है उनको ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक हो गया. ये हमारे पास है कि एलिमेंट में जितने भी हमारे पास एटम्स होंगे उनमें वही करेक्टरिस्टिक्स होंगी. और अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं और उनके अपने अपने एटम्स हैं. अब हर एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होंगे. तो इस तरह से जब हर एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होंगे तो यहाँ से हमें पहली कॉन्ट्रीब्यूशन बोहर की मिलती है, विच इज दैट यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर. कि हर एलिमेंट की हमारे पास यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर होगी. सो व्हाट क्लासिकल मॉडल ऑफ बोहर इज, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मॉडल बोहर मॉडल हमारे पास जो एटम है वो एक प्लेनेटरी टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सराउंड किए हुए होते हैं. फॉर एग्जांपल इसको हम किस तरह से समझते हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल चार्ज जिन पे कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन्स पड़े होते हैं, और ऑर्बिट्स जो के उसके अराउंड हमारे पास हैं वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं. सो ये है हमारे पास बेसिक प्लेनेटरी टाइप ऑफ एटम. अब न्यूक्लियस में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रॉन्स. हमारे पास ईच टाइप ऑफ एटम हैज सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स.
अब इसको सिंपल टर्म्स में हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कार्बन एटम है, तो कार्बन का टोटल एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 12, 12 है, तो उसमें हमारे पास 6 प्रोटॉन्स होंगे एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लेते हैं, तो ऑक्सीजन में हमारे पास 16 एटॉमिक नंबर है, इट मीन्स कि उसमें 8 प्रोटॉन्स हैं एंड 8 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो उसके 6 कार्बन के और ऑक्सीजन के हमारे पास 8 है। सो यहाँ पे हमारे पास एटम की टाइप डिफरेंट होने से उनके इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो डिस्टिंग्विश कर रही है, वो मतलब के फर्क कर देती है कि ये हमारे पास एटम इस एलिमेंट का है और ये एटम इस एलिमेंट का है। सो एलिमेंट में किस तरह से डिस्टिंग्विश हो जाती है, ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से पता लग जाता है। सो ये हमारे पास था सिंपल बोहर मॉडल। अब इसकी एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमारे पास, ये तो एक बेसिक एग्जांपल ही थी ना, अब हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल लेते हैं। तो सिंपलेस्ट हमारे पास जो एटम है हाइड्रोजन का, उसमें हमारे पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यू कैन सी कि एक हमारे पास न्यूक्लियस में हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास हीलियम की। हीलियम में हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक नंबर के अबाउट, कि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है। तो अब पीरियोडिक टेबल की हमने बात की कि उसमें 118 एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया गया, तो उन एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर हमने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया है। सो एटॉमिक नंबर हमारे पास होता क्या, एटॉमिक नंबर इक्वल्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। और क्योंकि हमें ये भी बात पता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके बाहर डिस्टेंस पे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो इस तरह से हमारे पास जो है एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके नेट चार्ज जो है वो जीरो। सो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल्स में हम लोग एनर्जी लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और शेल्स हमारे पास क्या होते हैं। सो व्हाट इज एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो रिवॉल्व कहाँ पे करते हैं, वो कुछ डिस्टेंसेस पे होते हैं न्यूक्लियस से। अब ये बात याद रखनी है कि जितना इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी ही उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी, मतलब कि जितना दूर जाते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में, मतलब कि हमारे पास सेपरेट और डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज की, जहाँ पे ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मतलब कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में इनकी डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ डिस्क्रीट डिस्टेंसेस पे ही रिवॉल्व कर सकते हैं, ये ऐसे किसी भी वैल्यू पे रिवॉल्व नहीं कर देते एनर्जी की, इनकी डिस्क्रीट एनर्जीज होती हैं जिस पर ये जो है वो रिवॉल्व करती हैं न्यूक्लियस के अराउंड। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शेल्स, के हर जो डिस्क्रीट डिस्टेंस जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं न्यूक्लियस के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, तो उस वो हमारे पास होता है एक सर्टेन एनर्जी लेवल, मतलब के एटम्स में अगर हम ऑर्बिट्स को ग्रुप कर दें एनर्जी लेवल्स में, तो वो हमारे पास शेल्स बना देता है। अगर हमारे पास एक एटम दिया गया तो उसके हम शेल्स को किस तरह से कहेंगे, हम कहेंगे ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये हमारे पास सेकंड शेल है, 1, 2, 3 हम इस तरह से उनकी नंबरिंग कर देंगे। और जो हमारे पास न्यूक्लियस के करीब होगा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी 1, एंड जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे जाते जाएंगे हमारी एनर्जीज इंक्रीज करती जाएंगे। अब एनर्जीज क्यों इंक्रीज करते हैं वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास था कि शेल्स। अब हमें किस तरह से पता लगेगा कि एक शेल में, अगर हमारा शेल नंबर 1 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे, शेल नंबर 2 है, ये अपनी मर्जी से ही कोई भी मतलब कितनी भी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी शेल में नहीं रह सकते, इनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है बाय नेचर,
कि हमारे पास अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे, इतने ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर सेकेंड शेल है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे, तो हम वो पता लगाते हैं एक फॉर्मूला के थ्रू कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर शेल में हमारे पास कितने हो सकते हैं। ये हमारे पास एक नेचर का फैक्ट है कि इतने ही हो सकते हैं, और इसको हम एक फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। दैट इज एन ई इज इक्वल टू 2n पावर 2, मतलब 2n स्क्वायर। तो जहाँ पे n हमारे पास है वो नंबर ऑफ शेल है, कि अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है तो हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2, मतलब कि फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से जैसे सेकंड शेल के लिए फाइंड करेंगे तो एन की जगह पे 2 लगा देंगे, हमारे पास 8 निकलता है, थर्ड शेल के लिए 18, एंड देन सो ऑन हमारे पास जाते जाएंगे। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, होप सो यू लाइक इट। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।